हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीडी एकेडमी। होप सो बच्चे तुसी सारे वधिया होंगे एंड अपने पेपर की तैयारी बहुत वधिया कर रहे होंगे। अज आप मैथ एक नवा टॉपिक शुरू करांगे, ठीक है, जिहड़ा कि तुहाडा टाइम स्पीड डिस्टेंस दे नाल मेल खांदा ही है जी। जे तुसी वो टॉपिक ध्यान दे नाल समझे ना तो तुहानू जिहड़ा ये वाला टॉपिक है ट्रेन प्रॉब्लम्स अपना ये टॉपिक होएगा, ये तुहानू बड़ा आसानी दे नाल समझ आएगा। क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जदों तुहानू करवाया गया सीगा तो उहदे जिहदे विच जो तरीके सिखाए गए सी, जो कुछ रूल्स दसे गए सी, वो सेम आपां इत्थे अप्लाई करने हैं, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो तुहानू आंदा जी तो ट्रेन प्रॉब्लम समझना कोई औखा नहीं है, बिल्कुल सौखा है जी, ठीक है। शुरू करिए फिर। चलो टॉपिक है राजे तुहाडा ट्रेन प्रॉब्लम्स, ईजी टॉपिक है जी, तो तुहाडा टाइम स्पीड डिस्टेंस नाल ही मेल खांदा, ठीक है। चलो हुण समझदे आपां इस टॉपिक नूं। ट्रेन प्रॉब्लम्स दे विच की होगा जी, बेसिकली मान लो जिवें हुण तुहाडी इक ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की है, चल रही है, तो चलती चलती कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई ना कोई व्यक्ति हो गया, कोई किसी दूसरी ट्रेन में इदा दिया चीज़ों जोड़ा की करूँगा जी, इन्हें पार करना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पहला जो है ना फॉर्मूला उ रहेगा जोड़ा कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस समझे भी डिस्टेंस बराबर की दे रजे, ठीक है। डिस्टेंस बराबर की देा स्पीड इन टू टाइम, उही चीज़ इतने होर कुछ नहीं है, ठीक है। बाहर आ जाए बस तुम्हें थोड़ा जहा वेरिएशन मिलेगा इस दे विच, होर कोई भी नवी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सौखा जहा टॉपिक है, ठीक है जी। तो जोड़ा हैगा तो समझ इन आप डिस्टेंस बराबर की दे जी स्पीड इन टू टाइम, एक पहली गलत है ये फॉर्मूला है ना, ये चीज़ है। उही जो स्पीड क्ढनी है तो टाइम उधर जाके डिवाइड हो जूगा, जे टाइम क्ढना तो स्पीड उधर जाके डिवाइड हो जूगी, ठीक है। ये चीज़ा ने गिया एक तो मैं समझाया सीगा भी जेकर आपने की करना जी, किलोमीटर प्रति घंटे जो थोड़ा रफ्तार दी हुई है तो तुम मीटर पर सैकेंड करना तो किदा करोगे रजे, 5/18 के नाल गुणा कर देंगे अपना, तो जी ताकि स्पीड हैगी वो की हो जानी है मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट हो जानी है, ठीक है। एक होर उस की दसिया से भी स्पीड जेकर मीटर पर सैकेंड दी हुई है तो किलोमीटर प्रति घंटे तब्दील करनी है तो की करोगे रजे, 18/5 के नाल गुणा करोगे तो सोल्यूशन निकल आऊगा जी। ये चीज़ा तुम्हें ऑलरेडी दसिया जा चुकी ने, ये बेसिक चीज़ा ने गिया, ठीक है। जिड़ी कि अच्छा योजे ये पहला तुम्हें दस दी गई है भी किदा 5/18 है, किदा 18/5 बने, ठीक है। ये चीज़ा हो चुकिया ने। चलो हम समझते हैं आप फिर थोड़े इस टॉपिक को, सुनो बच्चे ध्यान दे, ठीक है। इतने मान लो थोड़े को एक ट्रेन है, ट्रेन ने की करना जी किसी ना किसी चीज़ को पार करवाना, पहला आप अजिहियां वस्तुओं पार करवाया ट्रेन तो जिहड़ियां की ने गियां, ठीक है। जिहड़ियां की ने जी ट्रेन के सामने आप कह दिए जीरो है, ठीक है। हुण मान लो थोड़ी आह एक ट्रेन है जी, यह थोड़ी की है जी एक ट्रेन है, आह उहदे टायर ने, ठीक है। चलो ये ट्रेन है जी, ट्रेन पार कर रही है, मान लो बच्चे ने एक किसी बंदे नू पार कर रही है, ठीक है, एक व्यक्ति नू पार कर रही है। तो हुण आ ट्रेन ने की किया जी, चलना शुरू किया, यह चल रही है चल रही है चल रही है। हुण ये चलना कितों शुरू किया, इत्थे जमा बंदे दे जमा की आ गई सामने आ गई, तो जब इनू पार करूगी कदों पार कर जूगी, जदों ट्रेन का की होगा आ लास्ट डब्बा जिन्ना टाइम तक बंदे नू क्रॉस नहीं करके जाता उन्ना टाइम ट्रेन पार नहीं होगी। हुण कहण दा मतलब की है, ट्रेन जो इस बंदे नू पार कर रही है ना तो यह पार की करूगी रजे, इन्हें आपकी लंबाई नू ही पार करना, समझ लो गल, ठीक है। हुण आने ट्रेन ने पार करना, हुण इन्हें पार कित करना कितने शुरू किया मान लो इतों, ठीक है। चलो ट्रेन बंदे नू कदों पार करूगी, जदों ट्रेन की होगी बंदे दे बिल्कुल कोल दी होगी, तो हुण इतों इन्हें पार करना शुरू करता, हजे भी दूरी रह गई, चलो इतने पार करना शुरू किया, इतों इन्हें चलना शुरू किया, तो ट्रेन का जिहड़ा मूँह है जी करदा 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 इदा करके अगे जांदा जाऊगा, तो कदों पार कर जूगा, जदों ट्रेन का लास्ट डब्बा जिहड़ा हैगा इतों टप जूगा। तो फिर इतों जिहड़ा आपां कहीए तो ट्रेन ने कदों पार करता, जदों उन्हें शुरू कितों किया, जदों ट्रेन का मूँह बंदे दे मूँह कोले जमा कोल सी जी, पार कदों कर गया, जदों ट्रेन की पिठ बंदे नूं जमा की कर गई क्रॉस करी, उदों आपां कहांगे भी हाँ जी ट्रेन ने की कर दिता बंदे नूं पार कर दिता। कदों शुरू किया, ट्रेन ने आपके इंजन नूं पार करना शुरू किया, कदों क्रॉस कर जू बंदे नूं, जदों ट्रेन का आपका लास्ट डब्बा जिहड़ा की है बंदे नूं जमा पूरा पार कर जूगा, उदों आपां कहांगे हाँ बई ट्रेन है जिहड़ी उह बंदे नूं की कर चुकी है पार कर चुकी है, शुरू कितों किया इंजन तो, ठीक है। पार कदों कर गई, जदों ट्रेन का लास्ट डब्बा पार कर गया, ठीक है। मतलब इतने की समझ रहे हो रजे भी ट्रेन ने की पार किया, देखो इदा करके, ठीक है, इतने ट्रेन ने पार किया इदा करके, पार की किया आपकी लंबाई में ही पार किया, समझ लो गल। तो इतने जोड़ा है डिस्टेंस की है रजे, डिस्टेंस की बनेगा तुहाडा स्पीड ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेनज ओन लेंथ, ठीक है। तो ट्रेन जो एक बंदे नू पार कर रही है तो ट्रेन इतने कुछ नहीं आपकी लंबाई में ही पार कर रही है, बस ये चीज़ में पल्ले बन लो आपके,
ठीक है। तो हूँ आप कुछ अजिहे ऑब्जेक्ट्स की गल करांगे जेडे कि होंगे ट्रेन सामने जीरो होंगे, मतलब जो ट्रेन उन्होंने पार करूगी ना तो ट्रेन ने आपकी लंबाई में ही पार करना, होर कुछ नहीं। ठीक है, तो अजिहे किहड़ी किहड़ी चीज़ा आ सकदियां राजे, इन्हों नूं नोट कर लो भी अजिहे किहड़ी किहड़ी चीज़ा ने गियां जिहड़ियां कि होणगियां ट्रेन सामने जीरो होणगियां, तो ट्रेन जदों उन्हां नूं पार करूगी तो ट्रेन ने सिर्फ अपनी लंबाई नूं ही पार करना, लिखो इन्हां नूं। ठीक है, जिदां मैं तुहानूं कहा वी इक तां इंसान हो गया मैन, ट्रेन जदों एक बंदे नूं पार कर रही है तो मतलब उन्हें आपकी लंबाई नूं ही पार करना। ठीक है, ट्रेन जदों पार कर रही है राजे एक तुहाडे कह लो पोल नूं पार कर रही है, एक खंभे नूं पार कर रही है, तो खंभा भी जिहड़ा की है लम्मा जिहा है ना, तो वह भी की है ट्रेन नूं छू करदी है तो पोल दी टप जूगी, तो मतलब उत्थे ट्रेन ने भी की है आपकी लंबाई नूं ही पार करना है। होर की राजे ट्रेन होर की पार करूगी, बंदे नूं पार कर दिता पोल नूं पार कर दिता, कोई स्टेशनरी पोल उही आ गया, खंभा ही आ गया तुहाडा। ठीक है, होर जिवें आपां कह दईए कोई ट्री हो गया, दरख्त हो गया, तो ट्रेन जदों इदां दीआं चीज़ां नूं पार करूगी तो फिर ये जिहड़े हैगे आ ट्रेन सामने आपां की कहांगे तो जमा ही की ने जी जीरो ने। ठीक है, ट्रेन जब इन्हों पार कर लगेगी तो फिर ट्रेन सामने इन्हों की लंबाई तो कुछ भी नहीं है, तो फिर इतने की कहेंगे अपन ट्रेन जब इन्हों पार करूगी तो ट्रेन ने आपकी लंबाई में ही पार करना, तो समझ ला गई आ चीज़ा पल्ले बन लो। जो थोड़े क्वेश्चन आ रहा है भी ट्रेन एक ट्रेन पार कर रही है, ट्रेन एक पोल में पार कर रही है, ट्रेन एक बंदे पार कर रही है, मतलब ट्रेन आपकी आपकी लंबाई में ही पार कर रही है। ठीक है, हूँ कुछ अजिहे ऑब्जेक्ट्स लै लें आप जिन्हों की लंबाई होगी तो ट्रेन जो उन्होंने पार करूगी। ठीक है, हूँ मान लो आज एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक ही एक प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म पार करना। ठीक है, हुण आ रही है ट्रेन, ट्रेन पार करना कदों शुरू करूगी राजे? चको आ तुहाडी ट्रेन आ गई। ठीक है, हुण ट्रेन प्लेटफॉर्म नूं पार करना कदों शुरू करूगी राजे? कदों शुरू करूगी? जदों ट्रेन का इंजन का मूंह प्लेटफॉर्म का जिहड़ा हैगा इनिशियल पॉइंट है जमा उहदे कोले आ गया। हुण इत्थों ट्रेन ने की कर दिता? पार करना शुरू कर दिता। देखो ट्रेन तुहाडी इदां आ रही है, इदां करके अगे गई राजे, पार कदों कर जूगी? पार कदों कर जूगी? जदों ट्रेन का लास्ट डब्बा की हो गया, पार हो गया। ठीक है, हुण ट्रेन का मूँह देखो इत्थे फिरदा हैगा, समझो गल नूं। ठीक है, ट्रेन का जिहड़ा हैगा फेस इत्थे है जी, तो जिहड़ा हैगा ट्रेन का जिहड़ा लास्ट डब्बा इत्थे है। जदों ट्रेन का लास्ट डब्बा आह तुहाडे प्लेटफॉर्म का जिहड़ा की है लास्ट पॉइंट नूं टप गया, उदों जिहड़ा की होया प्लेटफॉर्म आपां कहांगे वी ट्रेन ने की कर दिता? प्लेटफॉर्म नूं की कर दिता राजे? पार कर दिता। ठीक है, शुरुआत कित्थों कीती सीगी? शुरुआत कित्थों कीती सी? इस पॉइंट तों कीती सी, प्लेटफॉर्म ते ट्रेन इत्थे एक दूजे दे जब आमने सामने होई सी, प्लेटफॉर्म दा जिहड़ा फ्रंट ते इधर जिहड़ा हैगा तुहाडा ट्रेन दा इंजन, तां दोनों की ने आमने सामने हो गए, इत्थों पार करना शुरू कीता। पार कदों होया? जदों ट्रेन दा लास्ट डब्बा जिहड़ा की है जी प्लेटफॉर्म दे लास्ट छोर नूं की कर गया? क्रॉस कर गया। शुरू इत्थों कीता सीगा, खत्म कित्थे होया? जाके इत्थे खत्म होया। तो मतलब ट्रेन ने जदों एक प्लेटफॉर्म नूं पार किया तो इन्नी लंबाई नूं पार किया। हुण इहदे विच की चीज़ां आ गईआं? नाले तां राजे प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, नाले की आ गई ट्रेन की खुद की लंबाई आ गई। मतलब हुण इत्थे समझाउण दा मतलब इत्थे की है जी वी जदों ट्रेन कुछ अजिही चीज़ नूं पार कर रही है जिहड़ी खुद की लेंथ नूं कैरी कर रही है, जिहदी खुद की एक लंबाई दित्ती हुई है, तो ट्रेन जदों उहनूं पार करदी है ना तो ट्रेन ने अपनी लंबाई के नाल नाल उह दूसरी वस्तु की लंबाई जां दूसरे ऑब्जेक्ट जो भी दिता होया राजे उहदी लंबाई नूं भी पार करना। हुण इत्थे समझ लो, नाले तां प्लेटफॉर्म ने देखो नाले तां ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की लंबाई नूं पार किया, नाल उहने की कीता जी आपदी लंबाई नूं भी पार किया, तो फिर इस केस दे विच की हो गया? इत्थे डिस्टेंस तुहाडा की हो गया, की कवर हो रहा है? जदों अजिहियां ऑब्जेक्ट जिन्हां दी खुद दी लंबाई हुंदी है तो ट्रेन जदों उन्हां नूं पार करदी है, नाले तां ट्रेन ने आपदी लंबाई पार करनी है ट्रेन्स लेंथ। ठीक है, नाले कोई जिहड़ी दूसरी चीज़ है उहदी लंबाई नूं पार करना हुंदा, जिवें इत्थे प्लेटफॉर्म की लंबाई सी तो फिर इत्थे ट्रेन नूं दो लंबाइयां पार करनियां पईआं, नाले तां आपदी लंबाई नाले जिहड़ी तुहाडी की दूसरी चीज़ दी। हुण अजिहे किहड़ियां तुहाडियां उदाहरणां हो सकदियां है जिहड़ियां की करनगियां एक लंबाई नूं कैरी करनगियां, समझो इत्थे ध्यान नाल। जदों मतलब इहदे विच किहड़े किहड़े चीज़ां आ जाणगियां? जिवें तुहानूं एक प्लेटफॉर्म करवा दिता वी प्लेटफॉर्म पार किया तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, कोई ब्रिज पार करना पै गया राजे तो ब्रिज भी कोई छोटा मोटा नहीं हुंदा, ब्रिज की लंबाई पार करनी पौगी। ठीक है, कोई टनल आ गई गुफा आ गई तो वह भी कोई छोटी छोटी मोटी नहीं हुंदी, उहदी लंबाई नूं पार करना पौगा। ट्रेन मान लो किसी दूसरी ट्रेन नूं पार कर रही है तो अजिहियां चीज़ां, ठीक है, जिन्हां की लंबाई हुंदी है राजे तो ट्रेन जदों इन्हां नूं पार करूगी तो ट्रेन ने आपकी लंबाई के नाल नाल दूसरी वस्तु की लंबाई में भी की करना जी? ठीक है, दूसरी मतलब जो भी चीज़ है वो लंबाई में भी की करना है? क्रॉस करना। ठीक है, तो इतने ध्यान रखियो भी जो ट्रेन दूजी चीज लंबाई वाली वस्तु पार करूगी तो उन्हें आपकी लंबाई के नाल नाल की करनी है? दूजी वस्तु की लंबाई में भी पार करना, तो इतने दोनों के डिस्टेंस की हो जाएंगे आपस के जुड़ जाएंगे। हुण इहनूं आपां उदाहरण के तहत समझते हैं राजे। ठीक है,
चलो हुण जिद्दां तुहाडे कोले क्वेश्चन हैगा जी, कहिंदे एक 200 मीटर लंबी ट्रेन अठारह सैकेंड्स दे विच एक दरखत नूं पार कर जांदी है। तां ट्रेन दी लंबाई पता करो, सॉरी ट्रेन दी चाल पता करो। लंबाई तां दित्ती हुई है ना, देखो चीज़ां तीन ही ने, दो दित्ती होनियां तीजी पता करनी होगी, समझ रहे हो डिस्टेंस स्पीड ते टाइम। ठीक है चलो, कहिंदे 200 मीटर लंबी ट्रेन है जी, पार किनू कर रही है, दरखत नू पार कर रही है। हुण की है, दरखत है, दरखत ते ट्रेन सामने जीरो है, समझ रहे हो गल नू। तां ट्रेन ने जदों पार करना दरखत नू, ट्रेन ने आपदे आप नू ही क्रॉस करवाउणा दरखत दे कोल। ठीक है, तां की दित्ता होया, टाइम दे रखिया तुहानू। ठीक है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है रजे, मतलब कि अपने को ट्रेन की लंबाई दी हुई है, तो डिस्टेंस अपने को ठीक है किन्ने है जी 200। कहते समा दे रखे थानू, समा की दे रखे है भी 18 सैकेंड च पार कर रही है, तो आपने क्डनी की है स्पीड पता करनी है रजे। ठीक है चलो, दो चीज़ा दी हुई हैं, तीजी पता करनी, तो डिस्टेंस बराबर कि अपना स्पीड इंटू टाइम होंगे। हूँ थानू जो डिस्टेंस दिता हुआ वह कहाँ दिता हुआ रजे, मीटर्स के दिता हुआ, तो स्पीड आप पता करनी है, तो जो टाइम दिता हुआ थानू कहाँ दिता हुआ सैकेंड्स के दिता हुआ। मतलब कहने का भाव यह है भी जिहड़ी स्पीड निकल के आऊगी मीटर सैकेंड, तो जो स्पीड निकल के आऊगी जो इन्हों कैलकुलेट करेंगे वो मीटर पर सैकेंड से निकल के आऊगी, गाँव उन्होंने आप किलोमीटर से कन्वर्ट कर लाँगे। ठीक है, हूँ ये गुणा का ना, तो उधर जाके की हो गया रजे, भाग का हो गया, इनू इदा ही रख लो। ठीक है, स्पीड ही कट दिया, हूँ आप हूँ मीटर पर सैकेंड के थोड़ी इनू हूँ जो आप स्पीड दसेंगे तो आप कहाँ से दस दें, जो तुम किसी आपकी कार की या स्पीड दस दें, आप किलोमीटर से दस दें ना भी मैं 10 की स्पीड के नाल आया, मैं 15 की स्पीड के ना, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे से दस दें। तो थोड़ा स्टार्टिंग से दसिया मैं भी जो स्पीड में घंटिया से दी हुई है किलोमीटर से कन्वर्ट करना, तो की करना रजे मिनट मीटर पर सैकेंड से दी हुई है किलोमीटर से कन्वर्ट करना, तो की करोगे 18/5 के मल्टीप्लाई करोगे, तो 18/18 आंसर हो गया, 5 नूं इत्थे कट के कितना आ गया तुहाडा 40। तो हुण जो इत्थे स्पीड है रजे वो की निकल के आई है जी अपनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तुहाडी की निकल के आ गई स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, यही आपां पता करना सी भी किन्नी स्पीड के नाल क्रॉस करके आऊगी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल ट्रेन पार कर जूगी, किनू जी दरखत नूं पार कर जूगी, समझ लग गई गल। चलो हुण नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, कहिंदे एक ट्रेन नब्बे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल पच्ची सैकेंड्स दे विच एक व्यक्ति नू, एक खड़े व्यक्ति नू पार कर जांदी है। तां ट्रेन की लंबाई पता करो, ठीक है जी, पता की करनी है रजे, ट्रेन की लंबाई पता करनी। चलो कहते एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल 25 सैकेंड दे विच एक खड़े व्यक्ति नू पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई पता करनी है। हुण ट्रेन एक खड़े बंदे नू पार कर रही है, तो मतलब ट्रेन ने की पार करना है, आपकी लंबाई नू ही तो पार करना है जी, समझ रहे हो गल नू। चलो फिर देखते हैं किदा आऊगा तुहाडा सल्यूशन। हुण ट्रेन ने की पार करना रजे, अपनी लंबाई नू पार करना, मतलब तुहानू की दे रखे है स्पीड दे रखे है, तुहानू टाइम दे रखे है, कढ़ना की है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस कढ़ना। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना की हुंदा है, डिस्टेंस बराबर की होंगे स्पीड इंटू टाइम होंगे रजे। ठीक है, डिस्टेंस आप मतलब कि ट्रेन की लंबाई कढ़नी है, क्योंकि ट्रेन बंदे नू पार कर रही है, तो ट्रेन की अपने आप की लंबाई नू पार करनी। ठीक है चलो हुण समझते हैं, फिर इतने स्पीड किन्नी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है रजे। ठीक है, तो टाइम किन्ने च पार कर रही है ट्रेन, 25 सैकेंड के पार कर रही है। चलो फिर इतने की करेंगे आप, जी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे दिती हुई है इन मीटर पर सैकेंड से कन्वर्ट करा। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जो पार करो ट्रेन की जो लंबाई होंगी ज़्यादातर जी आप कहाँ से दी होंगी है मीटर के होगी, थोड़ी समझ रही हो गलू, तो मीटर्स के कन्वर्ट करना आपने, तो फिर इतने की करा आप 5/18 के नाल गुणा करके स्पीड में की कर लिया आपने मीटर पर सैकेंड के कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बस फिर इन इतने कट देंगे कि गया 25 25 25 गुणा किया रहे जी कि 18/5 90 होंगे ना,
तो इतने पांच आ गया पांच पांच पच्ची 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 625 तो ट्रेन की जो लंबाई थोड़ी तो निकल के आ गई जी वो कि निकल के आ गई 625 मीटर जी है अपनी ट्रेन की लंबाई आ गई। समझ रहे हो गल तो यह हो गया राजे थोड़ा सल्यूशन। ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछी सी तो ट्रेन 625 मीटर की होगी थोड़ी, क्लीयर है। चलो हुण आपां ट्रेन नूं पार करवाउणे कुछ अजिहियां वस्तुआं जिहड़ियां कि जिन्हां दी खुद दी वी की एक लंबाई हैगी है। समझ रहे हो गल नूं, ट्रेन तो अजिहियां वस्तुआं पार करवावांगे जिन्हां दी खुद दी जिहड़ी की होगी लंबाई होगी। समझ रहे हो, चलो देखदे आपां प्रश्न तो समझदे हां जी। ठीक है, क्वेश्चन हैगा जी कहते 150 मीटर लंबी रेलगड्डी 300 मीटर लंबी गुफा नूं 150 मीटर लंबी रेलगड्डी 300 मीटर लंबी गुफा नूं चाली पॉइंट पांच सैकेंड दे विच पार कर जाती है। ठीक है जी, 40.5 सैकेंड च पार कर जाती है। तो चाल तो ट्रेन की रेलगड्डी की चाल पता करो। हुण ट्रेन एक अजिहे ऑब्जेक्ट नूं पार कर रही है जिहदी खुद दी की एक लंबाई है राजे। ठीक है, तो मतलब ट्रेन जदों पार करूगी, ठीक है, तो फॉर्मूला वही है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन खुद हैगी है 150 मीटर, ठीक है, तो गुफा हैगी 300, मतलब कि ट्रेन ने पार की करना राजे 450 मीटर की करना पार करना। समझ रहे हो गल नूं, चलो कहिंदे किन्ने समय च पार करगी। ठीक है, 40.5 सैकेंड, मतलब कि 40 नूं आपां सही 1/2 भी लिख सकते हैं या 40.5 ही लिख लो। ठीक है, 40.5 लिख लेंगे तो 1/10 ला लेंगे, है ना, स्पीड कढ लेंगे। हुण इह सैकेंड्स च दित्ता होया है, 30 मीटर च दित्ता होया, तो मतलब जिहड़ी स्पीड निकल के आऊगी थोड़ी मीटर पर सैकेंड च निकल के आऊगी, बाद च किलोमीटर प्रति घंटे च कढ ही लवांगे आपां, है ना। चलो तो की है 450 बराबर की है तुहाडा स्पीड इंटू 405 वटा किन्ना गया 10। मैं इनू 45 दे टेबल से कट लिया, इनू 45 दे टेबल से कट के आ गया 10, इनू 45 दे टेबल से कट के किन्ना गया 9। आह 10 इधर भाग दे रहा जे उधर जाके की हो जाना गुणा का हो गया, तो सैकेंड दे विच जो स्पीड आ गई वह की निकल के आ गई अपनी 100/9 मीटर पर सैकेंड निकल आ गई। हुण इनू आपां किलोमीटर च बदलना, तो किलोमीटर च बदलने वास्ते की करांगे आपां 18/5 दे नाल गुणा करांगे। तो तुहानू सिखाया सी ना वी जे मीटर पर सैकेंड च दित्ती होई है किलोमीटर च बदलना, वड्डे डिस्टेंस उहदे विच लै के उहनां कन्वर्ट करना है तो वड्डे वाला नंबर उपर आऊगा। ठीक है, तो जदों तुसीं की मीटर किलोमीटर नूं मीटर पर सैकेंड च बदलना, वड्डी तो छोटी च कन्वर्ट करना, तो छोटे वाला नंबर उपर वड्डे वाला नंबर नीचे। ठीक है, तो आह चीज़ है जी। इहनू कट्टांगे किन्ना आ गया तुहाडा इत्थे 2 आ गया जी, इहनू कट के किन्ना आ गया 20। तो जिहड़ी स्पीड होगी ना ट्रेन की वह किन्नी निकले 40 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी जी है ट्रेन की स्पीड जी निकले। ठीक है, तो यह हो गया तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन। इससे बाद चलते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के उपर। अगला क्वेश्चन आपको की कह रहेगा, कहता 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल एक माल गड्डी 250 मीटर लंबी रेलगड्डी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 26 सैकेंड पार कर जाती है, तो माल गड्डी की लंबाई पता करो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल एक माल गड्डी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नू 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नू 26 सैकेंड च पार कर जाती है, तां ट्रेन दी लंबाई पता करो। ठीक है जी, चलो हुण 72 दी रफ्तार दे नाल इक माल गड्डी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म नूं पार कर रही है, मतलब माल गड्डी प्लेटफॉर्म नूं पार कर रही है, तो मतलब माल गड्डी ने नाल तां आपदी लंबाई नाल प्लेटफॉर्म दी लंबाई दोनों नूं पार करना रहिजे, तो डिस्टेंस बराबर की आ जूगा तुहाडा जिहदे विच ट्रेन दी लंबाई ते प्लेटफॉर्म दी लंबाई दोनों दी जुड़ी होगी जी, तो डिस्टेंस बराबर की दे होंगे स्पीड इनटू टाइम। कहते किन्ने की स्पीड के नाल 72 की स्पीड के नाल, ठीक है, K
किन्ने टाइम च 26 सैकेंड हूँ किलोमीटर च दिता हो कन्वर्ट करा आप मीटर पर सैकेंड से तो छोटे यूनिट से लैके आना तो 5/18 के नाल कीता रजे गुणा ठीक है। तो इन कट के कि आ गया तो 18 चौके होंगे ने अपने 72 ठीक है। तो आ बन गया थोड़ा 20 26 के नाल मल्टीप्लाई तो 520 मीटर जोड़ा कि निकल के आऊगा डिस्टेंस निकल के आऊगा जिदों प्लेटफॉर्म की लंबाई हैगी 250 ठीक है। बाकी रहा होया कि होगा तो ट्रेन की लंबाई होगी तो 250 ये की हो जू रजे थोड़ा माइनस हो जूगा तो ट्रेन की जो लंबाई निकल के आ गई वह कि निकल के आ गई 270 मीटर जी ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई ठीक है। तो यह होगा तो सोल्यूशन ट्रेन की लंबाई पता करने क्या होगा तो 250 जोड़ा है प्लेटफॉर्म से 520 टोटल आ रहा आ 520 इधर जाके माइनस हो जूगा तो बचिया जोड़ा है ट्रेन की लंबाई आ गई जी अपनी ठीक है। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नैक्सट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के वल। अगला क्वेश्चन की कह रहे जी आपू कल गड्डी 8 सैकेंड 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 20 सैकेंड वन सैकेंड कहते एक रेल गड्डी प्लेटफॉर्म से खड़े व्यक्ति नू अठ सैकेंड दे विच अते प्लेटफॉर्म नू अते 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नू 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नू 20 सैकेंड विच पार कर जाती है ठीक है जी। चलो नैक्सट आ गया कहते ट्रेन की चाल पता करो तो रेल गड्डी की चाल पता करो कहते एक रेल गड्डी प्लेटफॉर्म से खड़े व्यक्ति नू 8 सैकेंड च पार कर जाती है ठीक है। तो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नू पार करने कि टाइम ले लेंदी है 20 सैकेंड ले लेंदी है पता करने की क्या होया रजे ट्रेन की चाल पता करने क्या होया ठीक है। हुण सुनो मेरी गल ध्यान दे नाल कहिंदे ट्रेन जिहड़ी हैगी है प्लेटफॉर्म ते खड़े बंदे नू पार करदी है 8 सैकेंड च जो ट्रेन किसी बंदे नू पार करदी है किसी प्लेटफॉर्म नू सॉरी बंदे नू पार कर रही है किसी दरखत नू पार कर रही है किसी खंभे नू पार कर रही है तो मैं तुहानू पहले ही दस्या सीगा वी किस चीज़ नू पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई नू पार कर रही है समझ रहे हो गल नू ट्रेन की कर रही है जी जो खड़े बंदे नू पार कर रही है तो आपकी लंबाई नू पार कर रही है मतलब कि ट्रेन नू अपनी लेंथ पार करन दे विच ट्रेन की जिहड़ी लेंथ है वह अपने आप नू जिहड़ा हैगा किन्ने सैकेंड च पार कर जाती है 8 सैकेंड च पार कर जाती है समझ आई गल रजे खड़े बंदे नू पार कर दी ना तो उन्हें आपदे आप नू क्रॉस करवाना उतों तो ट्रेन आपदी लंबाई 8 सैकेंड च पार करती है। तो जो प्लेटफॉर्म नू पार करती है ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नू जो पार करती है ठीक है प्लेटफॉर्म नू पार करन दे विच कितना टाइम लग रहा उन्हें 20 सैकेंड लग रहा है तो फिर इतने की हो गया रजे ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नू पार करूगी तो फिर उत्थे उन्हें प्लेटफॉर्म नू जो पार करना नाले तो आपदी लंबाई पार करनी है नाले प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करनी है समझ रहे हो गल पहला दिखाया सी ना तुम्हें स्टार्टिंग दे विच भी ट्रेन ने की है जो प्लेटफॉर्म नू पार करना है तो वह की करूगी नाले तो आपकी लंबाई नू पार करूगी तो नाले जोड़ा है की पार करूगी जी ट्रेन की लंबाई नू पार जोड़ा है प्लेटफॉर्म तो ट्रेन आपकी दोनों की लंबाई नू पार करूगी वन सैकेंड आ वाली चीज़ समझो जी ठीक है। इतने देखो जो ट्रेन तो आप चीज़ें पार करवाइया तो जो प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू किया उन्हें तो आप नाल तो प्लेटफॉर्म पार किया नाले आपकी लंबाई पार किया तो दो चीज़ा की हो गई उन्होंने पार करनिया पै गई तो दोनों चीज़ों सवाल के अनुसार सूँ कि दिता हो कि टाइम से पार किया जा रहा जी 20 सैकेंड पार किया जा रहा यही दिता होना थानू तो ट्रेन आपकी लंबाई में किन्ने टाइम से पार कर रही है सोडे सामने 8 सैकेंड पार कर रही है हूँ जो 20 आपकी लंबाई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई में पार कर रही है तो 8 सैकेंड आपकी लंबाई में पार कर रही है हूँ इतों पता लग जाओ अपन भी ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई में किन्ने समय से पार कर रही है उन्हें 8 सैकेंड तो आपदे आप ही पार किया तो प्लेटफॉर्म में पार करने उन्होंने पूरे 12 सैकेंड लग रहे हैं ठीक है। प्लेटफॉर्म नू पार करन दे विच ट्रेन नू पूरे 12 सैकेंड लग रहे ने ते प्लेटफॉर्म है किन्ना लंबा प्लेटफॉर्म हैगा सोड़ा 264 मीटर लंबा ठीक है। तो फिर आप देखिए तो ट्रेन की स्पीड की होगी स्पीड कितना कढ़दे हुंदे आपां डिस्टेंस ओवर टाइम है ना
चलो जी, तो फिर 264 मीटर 12 सेकंड पार हो रहा है, तो इनू कट के किन्ना आ गया राजे, तुहाडा इनू कट के आ गया तुहाडा 22 मीटर पर सेकंड आ गया तुहाडा। हुण इह तुहाडी स्पीड निकली 22 मीटर पर सेकंड, इनू किलोमीटर च बदलना आपां ने, तो किलोमीटर च जदों आपां बदलांगे तो की करना पऊगा, आपां नूं गुणा करना पऊगा राजे, किहदे नाल 18/5 नाल गुणा करना पऊगा। तो की करांगे इत्थे आपां 22.5 नूं जिहड़ा हैगा तुहाडा 18/5 दे नाल 22 नूं की करांगे 18/5 नाल करांगे जी आपां गुणा, ठीक है। चलो देखदे हां की बनदा तुहाडा, 18 नूं कीता आपां 22 नाल गुणा तां किन्ना बन गया तुहाडा 16, ठीक है। 16 ते 2 18 18 ते 19 396, है ना। 396 नूं कीता आपां ने 5 नाल भाग, 7 5 35 बच गए तुहाडे 4, है ना। उसके बाद वर के 9 5 45 बचे 1, तो 79.2 किलोमीटर पर आर की आ गई अपनी ट्रेन की चाल निकले जी। समझ लगी रही जी, तो इदा भी आप जो है ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कोई एक्स वाई जो है लैट किए हुए, समझ लो गल। चलो हूँ तक अपने ट्रेन तो पार करवाइया कुछ अजिहिया वस्तुआं जड़िया की नेगियां तुहाडियां, अजिहिया चीज़ा पार कर जिहड़ी खुद खड़िया सी, देखो बंदा खड़ा सी, दरखत खड़ा सीगा, है ना, खंबा भी खड़ा सी, प्लेटफॉर्म भी खड़ा, टनल भी खड़ी है, गुफा भी खड़ी है, तुहाडा ब्रिज भी खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म से जो बंदा पार करवाया सी वो भी तो मैं दो बार इदा दो क्वेश्चन इदा ने पाए है, दोनों बार मैं मैनशन किया भी बंदा खड़ा है राजे, समझ रहे हो गल। तो आप अजिहिया चीज़ा आप ट्रेन तो पार करवाइया ने जिड़िया की सी खुद स्थिर सी, बस ट्रेन वो कोल दी गुजर रही है, ठीक है। हुण आप ट्रेन तो पार करवावे अजिहिया चीज़ा जिहड़ी खुद भी गतिशील होनी है, फॉर एग्जाम्पल जिवें एक चलती हुई ट्रेन दूजी चलती हुई ट्रेन पार कर रही है, ठीक है। तो एक चलती हुई ट्रेन एक बंदे पार कर रही, चलते हुए बंदे पार कर रही है, तो हुण आप अजिहिया चीज़ा ट्रेन तो पार करवावे जिहड़ी खुद भी की होनगियां मोशन दे विच होनगियां, ते जदों दो ऑब्जेक्ट मोशन दे विच होणगे ते एक दूजे नूं जदों क्रॉस करनगे तो उन्हां नूं किद्दां डील करना, हुण आपां ओह चीज़ देखांगे, ठीक है जी। चलो हुण ट्रेन की कर रही है राजे, पार कर रही है अजिहियां वस्तुआं जिहड़ियां खुद की होणगियां मोशन दे विच होणगियां। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस दे विच तुहानूं मैं रैलेटिव स्पीड नाम का कॉन्सैप्ट करवाया सी, वो अपना इत्थे अपलाई होगा तुहाडा हुण, ठीक है। चलो तो जदों दो ऑब्जेक्ट की होणगे सेम दिशा वल जा रहे होणगे तो रैलेटिव स्पीड की लगेगी राजे, स्पीड्स वड्डी चो छोटी माइनस हो जूगी, स्पीड आपस के विच की हो जाएगी घट जाएंगे। तो जदों दो चीज़ा की होनगियां ओपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही होंगे, एक इधर आ रही एक उधर जा रही है, तो उस केस से रैलेटिव स्पीड की हो जूगी, स्पीडा दोनों आपस के विच जुड़ जाएंगे, ठीक है। याद करो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, ठीक है, याद करो तुहाडे जिहड़े दो ट्रेनां वाले प्रश्न क्वेश्चन, एक उधरों ट्रेन आ रही है एक इधरों आ रही है, ठीक है। तो उत्थे आपां स्पीडां जोड़ियां सी चोर पुलिस वाले दे विच, आपां पुलिस दी स्पीड चो चोर दी पुलिस माइनस करके कढ़ियां सी, ठीक है। तो उही दो कॉन्सैप्ट सीगे ओह इत्थे भी अपलाई होणगे तुहाडे इस केस दे विच, ठीक है जी। चलो हुण क्वेश्चन हैगा राजे, कहिंदे इक 200 मीटर लंबी ट्रेन अठारह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल अपने तो अपने सामने तो भजदे आ रहे दो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले वाले व्यक्ति नूं किन्ने समय विच पार कर जाएगी, हुण ट्रेन कहिंदे अपने सामने तो भजदे आ रहे, मतलब कि ट्रेन जो उधरों आ रही है तो बंदा इधरों सामने तो भजदा आ रहा है, तो दोनों एक दूजे के ओपोजिट डायरेक्शन हो गए ना, तो दोनों मोशन दे विच ने, तो फिर इत्थे राजे रैलेटिव स्पीड लगेगी, तो स्पीडा की हो जाणियां सोडियां जुड़ जाणियां 18 तुहाडी ट्रेन की दो बंदे की, ठीक है। तो टाइम आपां ने इत्थे कढ़ना, तो डिस्टेंस किन्ना जदों ट्रेन ने जिहड़ा हैगा ट्रेन ने बंदे नूं पार करना, तो ट्रेन ने मतलब आधी लंबाई नहीं पार करना, तो इत्थे जिहड़ी हैगी अपनी चाल किन्नी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, ठीक है। चलो जी हुण इह होगी तुहाडी चाल, हुण इह किलोमीटर च दित्ती होई है, तो इहनूं कन्वर्ट कज करांगे आपां मीटर पर सैकेंड च, किद्दां 5/18 दे नाल गुणा करके, सामने की पिया तुहाडा 200 पिया जी, तां 200 नूं सामने इत्थे कट के किन्ना आ गया राजे तुहाडा अपना किन्ना आ गया जी 10 आ गया, आ 10 नूं मैंने इत्थे 5 ते कट के किन्ना आ गया 18 उधर 2 आ गया इधर कट के ना 18 उधर जाके गुणा हो जूगा, तो टाइम किन्ना आ जाऊ राजे तुहाडा 36 सैकेंड निकल आऊगा, यही तुहाडा सल्यूशन जी।
ठीक है, तो 36 सैकेंड दे विच की हो जूगी, ट्रेन भजदे आ रहे व्यक्ति नूं पार कर जूगी। समझ गए गल नूं? चलो नैक्सट वेखदे हां आपां। कहिंदे एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो के 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल जा रही है, ट्रेन उसे दिशा विच एक साइकिल सवार छे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल भज रहा है। तां दसो ट्रेन उस व्यक्ति नूं किन्ने समय विच पार कर जाएगी? ठीक है जी, ये क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा गया रजे। चलो जी, कहिंदे एक ट्रेन है 500 मीटर लंबी ट्रेन है, कहिंदे 66 किलोमीटर की रफ्तार दे नाल जा रही है, मतलब ट्रेन है ठीक है 500 मीटर लंबी है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल जा रही है। ठीक है, सामने एक व्यक्ति है रजे, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल, सामने नहीं मतलब कि उस दिशा वाल जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही व्यक्ति भजदा जा रहा है। ठीक है, 6 की रफ्तार दे नाल, हुण दोनों चीज़ां सेम डायरेक्शन जा रही ने, तो ट्रेन ने जो बंदा पार करना मतलब ट्रेन ने आपकी लंबाई में ही पार करना, इन्ना तो तुम हूँ समझ गए होंगे है ना। तो ट्रेन ने की पार करना रजे, अपनी खुद की लंबाई में ही पार करना। चलो आप वेखते हैं फिर किन्ने समय से होजूगा, तो डिस्टेंस बराबर की हो जू तो स्पीड इंटू टाइम। हूँ दोनों ऑब्जेक्ट सेम दिशा जा रहे हैं तो स्पीडा की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हमने किलोमीटर च नहीं तो इन 5/18 गुणा करके की कर लेंगे मीटर पर सैकेंड कढ़ लेंगे। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 है जी, बराबर 500 रखता। ठीक है, तो की हो गया थोड़ा 500 बराबर 60 × 5/18। ठीक है, 0 × 0 कैंसल होगी, 5 नूं इत्थे कट के किन्ना आ गया थोड़ा 10, चलो इत्थे कट के आ गया 3, इत्थे कट के आ गया थोड़ा 5, 5 नूं 3 नूं इत्थे कट के आ गया 6, 6 इधर जाके गुणा हो जूगा थोड़ा, तो टाइम किन्ना निकलिया रहा जी अपना 30 सैकेंड निकलिया। ठीक है जी, तो 30 सैकेंड दे विच की हो जूगी, ट्रेन जिहड़ी हैगी आ उस 6 किलोमीटर रफ्तार नाल भजदे जा रहे व्यक्ति नूं पार कर जूगी। समझ लगी? हजे भी हुण आपां ट्रेन तो उही चीज़ां पार करवाइयां जिहड़ियां कि जिन्हां की लंबाई 0 सी, भावें भज रही सी पर उन्हां दी लंबाई ट्रेन सामने की सी 0। तो हुण ट्रेन तो आपां कुछ अजिहे भज रहे ऑब्जेक्ट्स पार करवावांगे जिन्हां की खुद की होगी रजे एक लंबाई हो। ठीक है, चलो वेखदे आ क्वेश्चनस नूं आपां। जिद्दां क्वेश्चन तुहानूं दित्ता होया जी, कहिंदे एक दो रेल गड्डियां क्रमवार 200 मीटर अते 150 मीटर लंबियां हन, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल समान पटरियां उपर एक ही दिशा वाल जा रही हैं। तां दसो यह एक दूसरे नूं किन्ने समय विच पार कर जानगियां?
ठीक है जी। चलो हम दो रेल गड्डिया ने, एक की लंबाई 200 मीटर है, एक की लंबाई 150 मीटर है, दोनों सेम दिशा वाले जा रही ने, ठीक है। हूँ मान लो जिम्मे थोड़ी आ ट्रेन आ रही, ठीक है, एक कि 200 मीटर, एक ट्रेन हैगी 150 मीटर, हमने पार करना कदों शुरू करनी है, जिम्मे हम दो देखकर दोनों सेम दिशा जा रही ने, ठीक है। तो आ वाली ट्रेन का जो जो कह लिए भी आप लास्ट डब्बा तो ट्रेन का इंजन आमने सामने हो गए, ठीक है। हूँ ये मान लो जी है वो तो आपको पता ही है भी तेज गति वाली रफ्तार वाली जी ट्रेन है वो ही पार करेगी, ठीक है। हूँ मान लो आ 150 से आ 200 है, हूँ ये जी रफ्तार है, अच्छा केड़ी की रफ्तार किन्नी सी, 1 सैकंड, ठीक है। आ थोड़ी 150 मीटर ही रखी सी आप जी, आ 200 मीटर ही रखी है, ठीक है। आ थोड़ी 150 मीटर वाली है, ठीक है, यदि रफ्तार 40 है, यदि रफ्तार किन्नी है 45 है, तो फिर पार किने करना है, तेज स्पीड वाली स्लो वाली नू पार करके जाऊगी, ठीक है। तो इन दोनों की जी स्पीड फर्क किन्ने दर है जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे दर फर्क पै रहा है। तो यह ट्रेन जो इन पार करूगी कदों पार कर जूगी, देखो इतने शुरू किया पार कदों कर जूगी, जो ट्रेन का लास्ट डब्बा की कर जूगा इस जोड़ा है इस इंजन के की कर जूगा, पार कर जूगा, मतलब ट्रेन ने पार करने ना आपकी लंबाई ना दूजे ट्रेन की लंबाई शुरू इतों किया एंड इतने होगा, मतलब दोनों की लंबाई जी की हो जूगी आपस के जुड़ जूगी, ठीक है। तो दोनों सेम दिशा से जा रही है तो स्पीड से उपर प्रभाव पेगा। एक चीज़ नोट करियो, जो एक चीज़ इधरों जा रही हो दूजी इधरों जा रही तो कोल की गुजरनी है तो थोड़ा बड़ी तेजी के एक दूजे को क्रॉस कर दी हुई दिखनी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इधरों आने से किधरों तो उन्होंने स्पीड आपस जुड़ जाने ने, पर जो दो चीज़ें पैरलर जा रही तो बहुत स्लो 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 एक दूजे तो की करेंगे एक दूजे को क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस भी वह करेगी जी तेज गति वाली होगी रचे, ठीक है। तो की होगा हूँ इतने थोड़े दोनों सेम दिशा वाले जा रही ने तो स्पीडा की हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 45 के 40 लैस हो जूगा, पर हाँ चाहे ट्रेन एक दूजे तो उल्ट दिशा वाले जा रही हो चाहे आमने सामने तो आ रही हो पार इन्होंने एक दूजे की लंबाई नहीं करना, तो डिस्टेंस ऑलवेज थोड़ा जुड़ूगा ही जुड़ूगा, तो दोनों ट्रेना की लंबाई जुड़ जूगी इतने, ठीक है। इंटू कि आ गया रहा जो थोड़ा टाइम, हमने टाइम ही तो क्ढना आपने, तो 5 आ गया जी थोड़ा, इतने इतने एक की लंबाई कि 200, दूजी की किन्नी सी रजे 150, तो कि हो गया अपना 350 हो गया, ठीक है। 5 हूँ इनू किलोमीटर प्रति घंटे बदलना तो की 5/18 के नाल गुणा किया गया, ठीक है। हूँ इनू कट के कि आ गया थोड़ा इधर 70, इनू इधर कट के कि आ गया जी अपना 14, आ 18 उधर जाके गुणा हो जूगा, तो 18 करा आप 14 के नाल गुणा, 18 14 नाल गुणा करके कि गया 8 चौका 32, 3 8 4 12 12 3 किन्ने हो गए 15, 252। तो 252 सैकेंड्स के हो जूगी ट्रेन एक दूजे को पार कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्लो हो जाएंगे ना एक दिशा वाले जा रही ने जी, तो आ चीज़ आ जूगी, ठीक है। ध्यान रखियो क्योंकि स्पीडा की हो गई अपनी माइनस हो गया, सेम दिशा वाले जा रही सी, ठीक है। इससे बात करते हैं पर अजय नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन की होगा थोड़ा। कहते दो रेल गड्डिया, एक की लंबाई 140 मीटर है, दूजी की 160 मीटर है, दो रेल गड्डिया जिन्हां दी लंबाई क्रमवार 140 मीटर अते 160 मीटर है, एक दूसरे की उल्ट दिशा विच एक दूसरे की उल्ट दिशा वल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल भज रही हैं, तो दसो दोवें एक दूसरे नूं किन्ने समय विच पार कर जाएंगे, कार जाएंगे, ठीक है। हुण भावें सामने तो ट्रेना पैरलर जा रही हूँ जो ओपोजिट आ रही हूँ पार करना तो उन्होंने एक दूजे की लंबाई नहीं होता, डिस्टेंस का मतलब इन्हों लंबाइया तो जुड़न गई, ठीक है। एक 140 है, एक 160 है रजे, तो जोड़ के कि आ जाओ थोड़ा 300 मीटर आ गया, ठीक है। हूँ स्पीडा एक इधरों आ रही एक इधरों आ रही है तो स्पीडा इस बार जुड़ जाएंगी, तो 60 तो 40 कि होगी थोड़ी 100 हो जूगी, टाइम आप क्ढना रजे, ठीक है। तो कि आ गया थोड़ा 100, हूँ इनू मीटर पर सैकेंड भी कन्वर्ट करना है, तो 5/18 ना गुणा करा, ठीक है।
किन्ना आ जूगा जी, आज 100 नूं इत्थे कट के किन्ना आ गया राजे, तुहाडा इत्थे 3 आ गया। ठीक है, उस तो बाद की करांगे, आ 18 उधर जाके गुणा हो जूगा तुहाडा। ठीक है, तो 18 तीए किन्ने होंगे अपने 54, भाग करांगे 5 दे नाल। ठीक है, तो 10.4 सैकेंड दे विच की हो जूगा तुहाडा क्रॉस हो जूगा 54 वटे 5। ठीक है, 10 8 आ जूगा इत्थे, 8.40 होंदे ना, 10.8 सैकेंड दे विच की हो जाणगियां ट्रेनां एक दूजे नूं पार कर जाएंगे। तो क्या ना जो एक दूजे के ओपोजिट होंगे तो एक तेजी के एक दूजे तो टप जाने ने जी। ठीक है, तो सोल्यूशन की आ गया राजे, 10.8 सैकेंड ट्रेना एक दूजे को की कर जानियाँ, पार कर जानी। समय लगी जी, चलो नैक्सट वेखते आप होर क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन हैगा जी थोड़ा, कहते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल 270 मीटर लंबी रेलगड्डी अपने तो उल्ट दिशा तो 80 किलोमीटर की रफ्तार नाल जा रही रेलगड्डी 9 सैकेंड पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगड्डी की लंबाई पता करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल 270 मीटर लंबी रेलगड्डी अपने तो उल्ट दिशा तो आ रही अस्सी किलोमीटर की रफ्तार वाली रेलगड्डी नू 9 सैकेंड विच पार कर जांदी है, तां दूसरी ट्रेन दी लंबाई पता करो। ठीक है जी, चलो कहते 120 मीटर लंबी रेलगड्डी 270 मीटर लंबी रेलगड्डी है। ठीक है, तो डिस्टेंस की होगा इतने दोनों ट्रेनों की लंबाई की होगी आपस से जुड़ूगी, एक 270 है, दूजी आपको पता करनी है भी कितनी है उसकी लंबाई। ठीक है, ट्रेन 1 की लंबाई, ट्रेन 2 की लंबाई आपने की करनी है राजे, पता करनी है। ठीक है, चलो हूँ दोनों एक उधरों आ रही एक इधरों जा रही, तो स्पीडें जुड़ जाएंगी, टाइम थानू दिता हुआ। ठीक है, एक 120 सी, ठीक है, एक की 80 स्पीड सी, चलो ठीक है, टाइम दो दे रखे अपन 9 सैकेंड, तो दोनों की स्पीडा कि हो गई 200 हो गई जी। मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करने वास्ते की करेंगे, 5/18 के नाल गुणा, तो इनू कट के कि गया 2, इनू कट के कि गया तो 500 मीटर आऊगा दोनों दिया लंबाइया का जोड़। एक का जोड़ दिता हो सू, एक की लंबाई दी है 270, तो 270 की हो जूगा इधरों 500 विच माइनस हो जूगा, तो जी दूजी ट्रेन है राजे, दूजी ट्रेन की जो लंबाई थोड़ी की निकल के आ गई 230 मीटर निकल के आ गई, 500 के 270 की करता अपने माइनस, तो दूजी ट्रेन की जो लंबाई है राजे वो 230 मीटर लंबी निकल आएगी। ठीक है राजे, चल तो यह हो गया थोड़ा टॉपिक ट्रेन एंड प्रॉब्लम्स, ट्रेन एंड ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस नाल ही मेल खाता एक छोटा जो टॉपिक सीगा, कोई बड़ा औखा नहीं सीगा, जे ट्रेन प्रॉब्लम तुहानू टाइम स्पीड डिस्टेंस सही ढंग नाल समझ आया तो यह भी कोई समझना औखा नहीं है। ठीक है, औखा नहीं है बिल्कुल भी। चलो तो फिर इस दे नाल की हो गया राजे, थोड़ा अज ये वाला टॉपिक भी हो जाता जी कंप्लीट। नैक्सट वीडियो के राजे आप एक नवे टॉपिक नू डिस्कस करांगे नवे सिरे तो। ठीक है, चलो फिर की होगा, मिलते हैं जी आप नैक्सट लैक्चर के, अज लई राजे थोड़ा इन्ना ही जी, धन्यवाद।